राजस्थान में चुनाव को लेकर अशोक गहलोत वापस अपनी सरकार को रिपीट करना चाह रहे हैं और इस सरकार को रिपीट करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के वादे और घोषणा भी जनता के सामने पेश किए हैं। समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि आज अशोक गहलोत के द्वारा एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें बताते हैं कि सचिन पायलट के द्वारा दिए गए टिकटों की सूची पर अशोक गहलोत ने एक सीधी हरी झंडी दे दी और बता दिया कि सचिन पायलट के सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए, मेरा सचिन पायलट से किसी प्रकार का कोई झगड़ा भी नहीं है। और आपको बता दें कि सीएम रेस की दौड़ के लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया जिसमें बताया कि मुझे कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है, ना सीएम पद मुझे छोड़ेगा ना मैं सीएम पद को छोड़ना चाहता हूं। अशोक गहलोत ने कहा कि सारे मतभेद भुला चुके हैं, पायलट के समर्थकों के सारे टिकट क्लियर किए हैं, राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनने की स्थिति में है, गहलोत वापस सीएम होंगे। सवाल का जवाब देते हुए गहलोत ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस में कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए, जो उम्मीदवार बनता है वो कभी सीएम नहीं बनता, मैं जब सीएम बना तो उस समय उम्मीदवार नहीं था, मुझे सोनिया गांधी ने चुना, उसके बाद सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ सकता ना मैं यह पद छोड़ूंगा।